पहली बात तो यह है कि हरियाणा आर्थिक दृष्टि से एक मजबूत राज्य के रूप में अपनी जगह बनाए हुए है। पिछली बार से हमारा बजट जो है 11% बढ़ा है। 1,77,000 करोड़ का पिछली बार बजट था, इस बार 1,83,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बजट में पूंजीगत व्यय वो 31% से ज़्यादा है। बजट में दो तरह का खर्चा होता है, एक रेवेन्यू एक कैपिटल है। पूंजीगत रेवेन्यू बजट होता है तनख्वाह और पेंशन का, जिसमें से विकास कार्य नहीं होते, केवल रूटीन काम चलता है। अगर 100% रेवेन्यू बजट हो जाए तो इसका मतलब यह है सरकार कोई भी विकास काम नहीं कर पाएगी। बहुत सारे राज्यों का रेवेन्यू बजट बढ़ता जा रहा है, पूंजीगत बजट घटता जा रहा है। पिछली बार पंजाब का केवल 9% था, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि 31% बजट जो है वो पूंजीगत बजट है। इसका मतलब हम एक तिहाई बजट से लगभग विकास के काम करा पाएंगे। नई मेट्रो ट्रेन की घोषणा हुई है, भादुगढ़ में पीछे जो है आसोदा तक हुई है, उधर माणेसर से पंचगांव तक हुई है, वेजांगला चौक से लेकर एयरपोर्ट तक हुई है। एलिवेटेड वे भादुगढ़ में भी एलिवेटेड रेलवे लाइन बनेगी, कैथल में बनेगी, बल्लभगढ़ में एलिवेटेड सड़क बनेगी, कोई 553 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाएंगे, 5,000 का अलग से मरम्मत करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसलिए संभव होंगी क्योंकि उसके लिए पैसा बजट में उपलब्ध कराया गया है। तो ये अच्छी बात है, जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो उससे ज़्यादा फायदा होता है। वो पैसा एक तरह से अर्थशास्त्री ये कहते हैं वो 7 बार घूमता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है। जो कंज्यूम होने के लिए पैसा खर्च होता है कंज्यूमर गुड्स पर, वो 3 बार घूमता है। जैसे तनख्वाह मिली और खा लिया तो वो 3 आदमियों को उससे फायदा होता है, 3 जगह पूछता है वो पैसा। लेकिन अगर नया काम किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगता है, तो वो 7 जगह घूमता है। तो इस कारण से अर्थव्यवस्था हमारे देश की भी मजबूत हुई है, क्योंकि देश के बजट में भी एक तिहाई पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। तीसरी बड़ी बात अपने इस बजट की है कि ये इसमें सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा जिसको कहते हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन 250 रुपये बढ़ गई, उसके साथ साथ पहले 1,80,000 तक सीमित कर दिया गया था, उसको अब 3 लाख तक बढ़ा दिया। चिरायु कार्ड पहले 28 लाख परिवारों को मिल रहे थे, अब 9 लाख परिवार और बढ़ेंगे। केवल 125 रुपये महीना या 1500 रुपये सालाना लेकर 9 लाख परिवारों को और जोड़ दिया, और वो भी चिरायु कार्ड की सीमा में आ गए। प्रदेश की 54% आबादी आ गई, जिसके कारण से मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा पिरामिड के शिखर पर पहुँच गया इस मामले में। आगे ये भी मंशा है, हम सबकी मंशा है कि 100% हरियाणा की आबादी कवर की जाए, ऐसे ही कुछ पैसे लेकर। लेकिन ये प्रयोग हो रहा है, अगर ये सफल हुआ तो और आगे बढ़ा जाएगा। वो जिस तरह से जो है मजदूरों को, जिस तरह से पत्रकारों को, कलाकारों को पेंशन दी है, इन सबको एक अलग प्रकार का अंत्योदय परिवारों का बीमा किया है, ये सब विषय भी सोशल सिक्योरिटी में आते हैं। इसलिए सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इस बजट में बहुत अच्छे प्रोविजंस किए गए हैं, इसलिए मैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। किसानों के लिए भी बहुत अच्छे प्रोविजन इसमें हैं। एक तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है जो ज़मीन खराब हो गई है उसको ठीक करने के प्रोविजन इसमें आए हैं, चाहे पानी से खराब हुई अपने इलाके में भी है, चाहे वो सैलिनिटी से खराब हुई है। इसी तरह से जो है 20,000 एकड़ में जो प्राकृतिक खेती का प्रोविजन लेकर आए हैं, चल पशु अस्पताल 70 खोलने वाले हैं। मुझे लगता है कि हर शायद एसटीएम के क्षेत्र में एक चल चिकित्सालय आ जाएगा, तो उसके कारण से पशु को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल होता है, अस्पताल पशु के पास चला जाए तो आसानी होगी। इसी तरह से जो है अच्छे लेवल के आजकल डॉग बहुत लोग पालते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी सुविधा के पेट सेंटर खोलने की बात भी हुई है। तो मैं देख रहा हूँ कि सांझी डेयरी बनाने की ग्रामीण इलाकों में वो भी एक बात आई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी नई आई हैं कृषि के क्षेत्र में, जिससे हम एग्रीकल्चर और बागवानी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा विकास को ये कहें कि ये भविष्यगामी भी है। तो जैसे अब आप टेलीफोन से काम कर रहे हो, आजकल बहुत सारे साइबर अपराध भी टेलीफोन से होते हैं, इसी मोबाइल फ़ोन से होते हैं, स्मार्टफोन से होते हैं। तो हर ज़िले में एक फॉरेंसिक लैब, टेलीफोन से क्या क्या किया गया है या लैपटॉप से क्या क्या किया गया है या किसी गैजेट से क्या क्या किया गया है, उस सब की जांच करने के लिए एक फॉरेंसिक लैब हर ज़िले में खुलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर खोलने की बात हुई है, स्किल को बढ़ाने की बात हुई है, 65,000 नई नौकरियां देने की बात हुई है। तो हर क्षेत्र में बजट ने काफ़ी अच्छा जो है मैं कहूँगा कि प्रस्तुति हुई है, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई भी मैंने। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पंचायतें बहुत शानदार काम मेरे समय में पंचायतों ने किया, और
हरियाणा को ODF बनाने में उस समय की पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान है, मैं उस पंचायतों का धन्यवादी हूँ। इसी प्रकार से हरियाणा नंबर वन आया था स्वच्छता में, एक बार दो नंबर पर आया था पूरे देश में स्वच्छता में, ये पंचायतों ने किया था, उनके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। हमारी पंचायतें बहुत अच्छा काम करती हैं और हमारे सरपंच शान के लिए बनते हैं, आन बान शान के लिए लोग सरपंच बनते हैं, उन पर भरोसा किया जाना चाहिए, उनको गैर ईमानदार कहना ये सब उचित नहीं है। ओ उन्होंने अच्छे काम पिछले उस सारे समय में किए हैं और अभी नई पंचायतें बन के आए हैं, ये भी अच्छे काम करेंगे। ई टेंडरी के एक अलग विषय है कि वो एक नए लेवल पर हम जा रहे हैं, एक अलग विषय है, लेकिन पंचायतों में जो लोग आते हैं काम करने के लिए वो आन बान शान के लिए आते हैं और उनकी पर जो है उनके सम्मान वो बहुत महत्वपूर्ण, सम्मान के लिए बनते हैं। सरपंची की रागनी आपने देखी होंगी, सरपंची के गाने देखे होंगे, सरपंच अपने आप में एक छोटी सरकार है और उन पर पूरा भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सरकार एक लेवल पर आगे जा रही है टेरिटरी पर और सरकार उसके लिए कन्विंस करने की कोशिश भी कर रही है, काफ़ी सारे वो सरकार के अपने वो हैं, ये विधि अलग अलग हो सकती है। हम उस समय विधि का इस्तेमाल करते थे कि DC के दिए हुए रेट पर काम करें, सरकार एक लेवल और आगे जा रही है ई टेंडरिंग पर, वो सरकार का निर्णय है उस नाते से आगे जाना, क्योंकि वर्तमान युग में ये माना जाता है कि टेंडरिंग जो है या ई टेंडरिंग जो है एक हर क्षेत्र में ही होने लगी है, हर क्षेत्र में उसको जो है कोई भी क्षेत्र हो उसमें ई टेंडरिंग से लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरपंचों और पंचायतों के माध्यम से बड़ा बदलाव, हर घर में जो शौचालय बना है पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हुआ है, स्टार पंचायतें मेरे समय में बनी, तो इसलिए सरपंच और पंचायतें ये अपने आप में हरियाणा की आन बान शान का प्रतीक हैं और इनके प्रति गैर जुम्मेवारा शब्दावली है मैं उसको उचित नहीं मानता, और जो है मैं ये मानता हूँ कि ये अच्छा काम करते हैं और सम्मान के लिए लोग जो है ये जनप्रतिनिधि हैं, छोटी सरकारें हैं, उसी के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं, उसके लिए आते हैं और अपने काम के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये जज्बा इनमें होता है। वो तो हर आदमी को दिख रहा है, सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, किसकी बात को लोग स्वीकार कर रहे हैं, कहने के लिए तो कोई कुछ भी शब्दावली कहे, लेकिन मैं कहूँगा कि शानदार बजट है और पूरा हरियाणा में इसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है और ये बजट अमृतकाल का पहला बजट है, इसलिए आगे ले जाने वाला है। लोगों पर लगातार हमारा काम चल रहा है और 6 अप्रैल तक हम सब पन्ना प्रमुख बनाकर उनकी कार्यशाला करने के लिए कटिबद्ध हैं और एक दिन एक समय सुबह 9 बजे हम 5 लाख पार्टी के ध्वज एक साथ फहराएंगे, ये हमने निर्णय किया है और उस निर्णय पर हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और 26 तारीख को प्रधानमंत्री की 98वीं मन की बात है, वो हम सुनेंगे और उसी दिन हर शक्ति केंद्र पर जब बात सुनेंगे तो हम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी पहली बार जो है वो नीचे तक गांव के स्तर तक पढ़ा जाएगा, उसकी कॉपीज सब शक्ति केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। शायद ये पहला मौका है इतिहास में कि मैं राष्ट्रपति का अभिभाषण की कॉपी लेकर आया हूँ और गांव तक पहुंचाने के लिए लेकर आया हूँ। मैंने कॉपी ले ली होगी अपने संसद के मित्रों से, या मैंने उसको पढ़ लिया होगा, या अखबार में उसकी जो खबर छपी वो पढ़ा होगा, लेकिन वो 24 पेज का पूरा पाठ आज हम 4400 हरियाणा के शक्ति केंद्रों पर पहुँचाएंगे। हर शक्ति केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बैठकर इसको पढ़ेंगे और पढ़कर इस पर चर्चा करेंगे, ये ऐतिहासिक होगा। संसद भी अब संसदीय समितियों से चलती है, विधानसभा में उस प्रकार का विचार कर रहे हैं, मैं इसलिए ज्ञानचंद गुप्ता जी को बधाई देता हूँ। एक बात के लिए उनको और भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो नई विधानसभा का भवन बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और केंद्र में इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित किया है, और कमेटी जब अलग एक विभाग पर विचार करेंगी तो मुझे लगता है और बारीकी से विचार होगा और बजट का और अच्छा सदुपयोग होगा। चिंतन मनन करें, अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कांग्रेस ललायित है, तो कुछ चिंतन मनन करके आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से, किसी को चिंतन मनन से तो आप इनकार भी नहीं कर सकते, चिंतन के लिए तो हमेशा शुभकामनाएँ दी जाती हैं।